हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट आज हम ज्योग्राफी ऑफ जे एंड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज क्लाइमेट ऑफ जे के यानी जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ जे के के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे पहले मैं आपको वही बताऊंगा सो so पहले हम डिस्कस करेंगे वट इज क्लाइमेट एंड वेदर यानी क्लाइमेट और वेदर क्या होता है और इनमें क्या फर्क है दूसरा हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ जे के यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे जे एंड के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं तीसरा क्लाइमेट ऑफ जे एंड के कैन बी स्टडीड एज क्लाइमेट ऑफ जम्मू क्लाइमेट ऑफ लद्दाख एंड क्लाइमेट ऑफ क्लाइमेट ऑफ कश्मीर एंड क्लाइमेट ऑफ लद्दाख यानी अलग अलग हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ जम्मू क्लाइमेट ऑफ कश्मीर एंड क्लाइमेट ऑफ लद्दाख और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन क्लाइमेट ऑफ जे एंड के इससे आपको हेल्प मिलेगा कि आपको कितनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है और आपको कितने फैक्ट्स याद रहे हैं ठीक है सो so, चलते हम पहले पहले टॉपिक पे अपने दैट इज व्हाट इज क्लाइमेट एंड वट इज वेदर सी वेदर वेदर होता है करंट एटमोस्फेयरिक कंडीशन यानी किसी भी जगह किसी भी प्लेस पे इस टाइम एटमोस्फेयरिक कंडीशन क्या है उसको बोलते हैं वेदर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे अगर किसी टाइम पे श्रीनगर में रेनफॉल हो रहा है या जुम्मू में टेम्परेचर है थर्टी डिग्री तो हम जुम्मू या श्रीनगर के वेदर की बात कर रहे हैं ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि जुम्मू में इस टाइम हॉट टेम्परेचर है क्योंकि यहां पे हॉट वेदर है क्योंकि यहाँ पे थर्टी डिग्री टेम्परेचर है ठीक है सो so वेदर होता है करंट एटमोस्फेयरिक कंडीशन किसी भी जगह की जो करंट एटमोस्फेयरिक कंडीशन है एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम उसको बोलते हैं हम वेदर और क्लाइमेट क्या होता है अगर वेदर कंडीशन जो होती है अगर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सेम रहे किसी भी प्लेस पे उसको बोलते हैं क्लाइमेट फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का क्लाइमेट जो है वो फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स हॉट एंड ड्राई रहा है इसीलिए हम उसको बोलते हैं जो क्लाइमेट ऑफ दिल्लीज दैट इज हॉट एंड ड्राई यूजुअली क्लाइमेट के बारे में जो वेदर कंडीशन देखी जाती हैं वो ऑलमोस्ट कम से कम थर्टी ईयर्स तक देखी जाती है ठीक है उसके बाद उस प्लेस का क्लाइमेट डिफाइन होता है ठीक है सो वेदर इज करंट एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम ठीक है इस टाइम क्या चल रहा है उसको बोलते हैं वेदर लेकिन क्लाइमेट होता है ये वेदर कंडीशन पिछले कई सालों से आ, कैसी रही है फिर वो उस एरिया का उस प्लेस का क्लाइमेट डिफाइन करता है ठीक है सो वेदर एंड सो दिस इज वेदर एंड क्लाइमेट ओके देन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ जे एंड के कौन से फैक्टर्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं? पहला है लोकेशन ओके सो लोकेशन ऑफ जे एंड के इज सब ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेटर जोन यानी हमारे जे के की जो लोकेशन है वो है सब ट्रॉपिकल और वार्म वार्मरेट जोन वो क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके दूसरा है फिजियोग्राफिक फैक्टर यानी जो लैंड है उसके बारे में तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम सी यानी कितना डिस्टेंस है हमारे जे के का फ्रॉम सी एंड फोर्थ फैक्टर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ये विंड्स आती हैं विंटर्स में फ्रॉम मेडिटेरियन सी और ये हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं उसके बाद लास्ट में मोनसूनल विंड्स जो पूरे इंडिया के क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करती हैं और ऑब्वसली हमारे जे के क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करती हैं स्पेशली द जम्मू प्लेन्स ओके इसके बावजूद कुछ और फैक्टर्स होते हैं जैसे अपर ईयर सर्कुलेशन जेट स्ट्रीम्स एलनिनो लानिनो साउदर्न ऑस्टलेशन ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है मैंने सिर्फ रखे हैं यहाँ पे ताकि आपको मालूम हो जाए ये हम पढ़ते हैं जब हम वर्ल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ते हैं तब हम ये चीजें डिस्कस करते हैं फिलहाल हम यहाँ पे जो मेन क्लाइमेटिक कंडीशन हैं या फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ जे के वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलते हैं हम पहले फैक्टर पे दैट इज लोकेशन और लोकेशन ऑफ जे एंड के मैंने यहाँ लिखा है सब ट्रॉपिकल और वार्म वार्मेट जोन है वो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं देखो जो वर्ल्ड है इसकी जो पहली क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दी है वो ग्रीक्स ने दी है और उन्होंने क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड तीन जोनों में डिवाइड किया है पहला जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जिसको बोलते हैं टॉरेड जोन या इसको ट्रॉपिक्स भी बोलते हैं और यहां का जो टेम्परेचर है दैट इज हॉट एंड ह्यूमेड ओके सो यहां पे टेम्परेचर रहता है ट्रॉपिक जोन में हॉट एंड ह्यूमेड उसके बाद दूसरा जोन जो है नॉर्दर्न हेमिसफेयर में ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल के बीच में इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन और साउदर्न हेमेस्फेयर में ये टेम्परेट जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्टिक सर्कल के बीच में और यहां का जो वेदर होता है टेम्परेट जोन का वो रहता है वार्म समर्स एंड कोल्ड विंटर्स यानी समर्स वार्म रहते हैं और कोल्ड रहते हैं इसके बाद है पोलर जोन जो आर्टिक सर्कल के बाद आता है नॉर्थ नॉर्दर्न हेमेस्टफेर में और एंटार्टिक सर्कल के बाद आता है साउदर्न हेमेस्टफेर में यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर रहता है ठीक है ये इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन और पोलर जोन भी इसको बोलते हैं लेकिन अगर हम इस ये जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है ये जो क्लाइमेटिक ज़ोन्स हैं, अगर हम इनको फर्दर डिवाइड करेंगे तो और एक जोन आता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिक्स ओके या सब ट्रॉपिकल जोन या वार्म टेम्परेट जोन ये आता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड थर्टी सिक्स डिग्री लैटिट्यूड ओके यहां आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 36 डिग्री लैटिट्यूड और इस सब ट्रॉपिक्स जो होता है सब ट्रॉपिकल जोन या वार्म वार्मेचर जोन यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है हॉट समर्स यानी जो समर्स रहते हैं वो हॉट रहते हैं और विंटर्स रहते हैं माइल्ड ठीक है और मैं इस जोन की क्यों बात कर रहा हूं बिकॉज जो हमारा जे एण्ड के हैं दैट फॉल्स इन दिस सब ट्रॉपिकल जोन सो हमारे जे एण्ड के का जो अब क्लाइमेट होना चाहिए वो होना चाहिए हॉट समर्स एंड माइल्ड विंटर्स लेकिन अगर हम देखेंगे लद्दाख का क्लाइमेट या कश्मीर वैली का क्लाइमेट ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा क्यों नहीं है वो है बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स ओके ऐसा सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है हॉट समर्स एंड माइल्ड विंटर्स वो ओनली ऑब्जर्व किया जाता है जम्मू प्लेन्स पे ठीक है वो हम जब जम्मू क्लाइमेट पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे लेकिन बाकी जो प्लेसेस हैं लद्दाख एंड जम्मू लद्दाख एंड कश्मीर वैली वहां पे सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन जो हैं वो वैसा क्लाइमेट वहां पे नहीं ऑब्जर्व किया जाता है क्यों बिकॉज ऑफ दीज अदर फैक्टर्स तो पहले हम देखते हैं फिर सेकेंड दैट इज द फिजोग्राफी और रिलीफ देखो जो हमारा जे के हैं यहां पे माउंटेनियस ये मोस्टली माउंटेनियस रीजन है रफ टेरेन है एलिवेटेड लैंड है अगर हम जम्मू की बात करें जम्मू हैज प्लेन वैलीज हिल्स एंड माउंटेन्स और इसका एलिवेशन जो है एवरेज एलिवेशन दैट इज 300 हंड्रेड टू फोर हंड्रेड मीटर्स अगर हम कश्मीर वैली की बात करें ये कश्मीर वैली इज बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड वेस्टर्न एंड ऑफ द ग्रेट हिमालिया ठीक है और इसका जो एलिवेशन है एवरेज एलिवेशन है दैट इज सिक्सटीन हंड्रेन हंड्रेड ट्वेंटी मीटर्स और अगर हम लद्दाख की बात करें लद्दाख रीजन की लद्दाख इज कॉल्ड द लैंड ऑफ हाई पाउसेज ये इंडिया का सबसे हाइस्ट ऑल्ट प्लेट्यू है और ये एलिवेटेड लैंड है ठीक है इसकी जो एवरेज हाइट है दैट इज मोर देन थर्टी फाइव हंड्रेड मीटर ओके सो अगर हम अपनी फिजियोग्राफी की बात करें जे एंड इज़ अ माउंटेनियस रीजन एलिवेटेड लैंड है ठीक है सो दिस दिसेक्ट द्लाइमेट ऑफ जे एंड के ओके उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम द सी अगर आप डिस्टेंस फ्रॉम द सी देखोगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी अगर हम इस पर क्लाइमेट डिफाइन करते हैं तो दो तरह के क्लाइमेट्स होते हैं एक होता है मैरी क्लाइमेट दूसरा होता है कंटिनेंटल क्लाइमेट मैरी क्लाइमेट होता है जो प्लेसेस सी के आसपास होती है वहां पे वो क्लाइमेट होता है मेरी टाइम क्लाइमेट और इसका फीचर ये रहता है कि यहाँ पे एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स नहीं रहते हैं यानी यहाँ पे समर्स ज्यादा हॉट नहीं होते हैं और विंटर्स ज्यादा कोल्ड नहीं रहते हैं बल्कि माइल्ड रहते हैं समर्स भी और विंटर्स भी आप दिल्ली सॉरी uh, आप मुंबई गोवा यहाँ की एग्जाम्पल ले सकते हो और अगर हम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की बात करें कंटिनेंटल क्लाइमेट uh, जो होता है ये उन जगहों पे होता है जो सी से दूर होते हैं जैसे पूरा जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है ये सी से काफी दूर है और यहाँ पे एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स होते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर अगर आप देखेंगे दिल्ली में या राजस्थान में या हरियाणा में पंजाब में यहाँ पे हॉट समर्स होते हैं ठीक है काफी हॉट समर्स रहते हैं और एज कंपेयर टू द पेनसुलर पार्ट ठीक है यहां पे जो विंटर्स होते हैं वो कोल्ड रहते हैं ठीक है और ये बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस ऑफ द सी जो हमारे जे एंड के में भी इसका इन्फ्लुएंस रहता है ठीक है इसके क्लाइमेट पे भी इन्फ्लुएंस रहता है ओके सो फोर्थ फैक्टर इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज मैंने आपको बोला वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो होती है ये विंड्स होती हैं स्टॉम्स होती हैं ये आती हैं फ्रॉम मेडिटेरियन सी से सो ये ऑरिजिनेट होती हैं फ्रॉम मेडिटेरियन सी ये विंटर्स में आती हैं, और फिर कैसपियन सी और जो बाकी सी हैं यहाँ पे, वहां से ये मॉइस्चर उठाती हैं फिर ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान को क्रॉस करके पूरे नॉर्थ वेस्टर्न आ, पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है या इंडिया का जो है वहाँ पे ये विंटर रेन्स लाती हैं ठीक है और हमारे जे के में ये जम्मू प्लेन्स में विंटर रेन्स लाती हैं और फिर इनका इन्फ्लुएंस रहता है जो रबी क्रॉप्स रहते हैं उन पे इन्फ्लुएंस रहता है वो जब हम जम्मू प्लेन्स का पढ़ेंगे उस टाइम आपको ये समझ में आएगा और जो जम्मू प्लेन्स में ये रेन्स लाते हैं फिर जो जम्मू माउंटेन्स हैं या वैली ऑफ कश्मीर या लद्दाख रीजन है वहां पर ये रेनज एज वेल एज स्नोफॉल इनकी वजह से होता है फ्रॉम लाइट टू हैवी स्नो इनकी वजह से होता है सो so, कश्मीर वैली में जो स्नो फॉल होता है विंटर्स में दैट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिसके सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑल्सो इंफ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ जे एंड के देन देर इज द मोनसोनल विंडस सी इंडिया का जो पूरा क्लाइमेट है उसको बोलते हैं मोनसूनल क्लाइमेट ये मोनसोनल विंडस आती है आ, फिर ये पूरे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करती है और हमें यहां जे एंड के में दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ जे एंड के स्पेशली द जम्मू प्लेन ये जब हम जम्मू प्लेन्स पढ़ेंगे तो आपको मैं वहीं ये एक्सप्लेन करूंगा लेकिन बट मॉनसूनल विंड ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ जे एंड के स्पेशली द जम्मू प्लेन ओके सो हमने देखे ये सारे फैक्टर्स लोकेशन फिजियोग्राफी डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस एंड मूनसूनल विंड्स सो ये सारे मेन फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट ऑफ जे एंड के को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड इट इज बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स जो हमारा जे एंड के का क्लाइमेट है उसको हम तीन रीजनज में या तीन जोनस में स्टडी uh, करते हैं पहले हॉट एंड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जम्मू यानी जम्मू जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड है और जो कश्मीर वैली है दैट इज माइल्ड टेम्परेट क्लाइम कश्मीर वैली ठीक है कश्मीर में जो टेम्परेचर है सॉरी क्लाइमेट है दैट इज माइल्ड टेम्परेट ओके और लद्दाख का जो क्लाइमेट है दैट इज कोल्ड एंड एरिड ओके सो अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ जम्मू क्लाइमेट ऑफ लद्दाख सॉरी क्लाइमेट ऑफ कश्मीर एंड क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इनको हम एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे और ये क्लाइमेट और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख सेपरेटली क्यों है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं ठीक है सो so, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ जम्मू ये हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ जे एंड के पार्ट टू में जो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे उसी में हम ये पढ़ेंगे ठीक है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको अच्छा लगे सो लाइक लाइक द वीडियो शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग